एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं फिर एक पराठा ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आई हूँ। और हर घर में दाल बचती है, आज मेरे घर में भी मूंग की दाल बची है जिसको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। 1 कप दाल है ये, कल शाम को बनाई थी। और ये एक बड़े प्याज को मैंने चॉपर की मदद से महीन काट लिया है। हरा धनिया मैंने एक मुट्ठी भर के अच्छे से ले लिया है, उसको धोकर बारीक काट लिया है। एक हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच अदरक को ग्रेट कर लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, 1/4 टीस्पून से भी कम 2 पिंच मैंने हींग लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, चाट मसाला है 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। ये देखिए, 2 कप आटा लिया है हमने पराठे बनाने के लिए, 2 कप आटा है, उसके बीच में ऐसे हम थोड़ा जगह करेंगे और इसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे और बहुत यम्मी लगने वाले हैं। देखिए, कुछ फ्रेशनेस देने के लिए ना हम इसमें ये सब डाल रहे हैं। और इसमें लेंगे हम घी 1 चम्मच, जिसको मैं मोयन की तरह डाल रही हूँ। एक्चुअली दाल में भी घी वगैरह अगर आपका अच्छा है ना तो आप मत डालिए, क्योंकि मैंने दाल बहुत कम घी में छौंकी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा मोयन के लिए ये डाल रही हूँ। ऑयल लिया है मैंने जिसमें मैं पराठे फ्राई करूंगी, आप घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको मिक्स करके दाल डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छे लगते हैं और आपका वेस्ट भी नहीं होता। और मेरी मदर बनाती थी, जब भी कभी कोई सब्जी या दाल बच जाती थी तो वो इस तरह से हमें पराठे बना के देती थी और बहुत यमी लगते थे। तो अब मैं इसको हाथ से मिलाती हूँ। पहले ना हम ऐसे मिला के देखेंगे, पानी नहीं डालेंगे, कि देखते हैं कितना हमारा इसको चाहिए। तो मसल मसल के आप मिलाएंगे, अगर पानी मिलाएंगे ना तो आटा बहुत ढीला हो जाएगा। तो सॉफ्ट डो लगाएंगे हम इसका। और ये देखिए, थोड़ा सख्त लग रहा है और मेरे पास थोड़ी दाल और पड़ी थी तो मैं इसको भी इसमें मिला लूंगी। यानी 2 कप में मेरी ये 1.5 कप दाल के करीब लग गई है और इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर है और कितने अच्छे से ये डो सेट हो रहा है। और ये देखिए, ये अच्छे से चारों तरफ से सॉफ्ट हो गया है और ये इतना सॉफ्ट हमने लगाया है। अच्छे से इसको चिकना करना है, अच्छे से मथना है। और अब हम इसको हल्का सा इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल, बहुत हल्का सा, क्योंकि हमने इसमें मोयन डाल दिया है ताकि ये ऊपर से सूखे ना। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सके। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो ये देखिए, 10 से 15 मिनट हो गई हैं, अब हमारा आटा जो है वो सेट हो गया है। तो अब हम बनाते हैं इसका पराठा। तो अब हम लेंगे इसमें जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है उसकी लोई तोड़ेंगे, इसको हम ऐसे गोल करेंगे और इसको सूखे आटे में डस्ट करेंगे और यहाँ इसको हम बेलन से बेलेंगे। तो पराठे आप जिस भी शेप में बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ चौकोर पराठा बनाकर बताती हूँ। इतना बेलने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे ऑयल, थोड़ा सा ही ऑयल लगाएंगे, उसको हाथ से ऐसे फैला देंगे। इससे पराठा अच्छा बनता है, अंदर से लेयर जो है वो खुल जाती है। तो चौकोर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐसे करेंगे, दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे और इधर से फिर इसको पूरा ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका चौकोर पराठे का लोई बनकर तैयार है। अब हम इसको सूखे आटे में डस्ट करेंगे। अब आपको बेलते हुए ध्यान रखना है कि इसकी जो शेप है वो खराब नहीं होना चाहिए। कैसे, कि एक बार इधर से एक बार इधर से ऐसे चारों तरफ से करते हुए हम ये चौकोर पराठा अपना बनाएंगे। तो ये देखिए, चारों तरफ से हमने इसको इस तरह से बेल लिया है, पतला मोटा कहीं से नहीं है, इक्वल बेल लिया है। तो ये चौकोर पराठा बन गया है। अब हम इसको उठाकर तवे पे डालेंगे। तवा पहले से हमने गर्म होना रख दिया था, तो ये देखिए तवे पर हमने डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सेकना है,
जैसे ही उधर ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर हो जाएगा, हम इसको इधर से पलट लेंगे, तब तक हम दूसरा पराठा बनाते हैं। लोई बना ली है हमने, आटे में डस्ट करेंगे। और देखिए आटा कितना बढ़िया लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। और आपकी दाल भी यूज हो गई और नाश्ता भी नया बन गया, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, दोबारा दाल घर में कोई नहीं खाता और वो वेस्ट भी होती है फिर। तो इस तरह से हम बेल लेंगे, फिर से इस पर ऑयल लगाएंगे। ऑयल आप हाथ से ही फैला दें इस पर, इसको पैक करेंगे। देखिए दो तरफ से ऐसे पैक करेंगे और फिर इस तरह से इधर ले आएंगे और इस तरह से इधर ले आएंगे, तो ये चौकोर आपका बन जाता है। देख रहे हैं ना कितना अच्छा हो गया। तो आइए पराठा चेक कर लेते हैं, अभी इधर से हल्का हल्का हो गया है। ऑयल लगाएंगे हम, ऑयल या घी जो भी आपको पसंद है उसमें सेक सकते हैं। रखने वाले जो पराठे हैं टिफिन में जो लेके जाते हैं वो ऑयल में बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो पराठे सॉफ्ट बने रहें। जब तक पराठा सिकता है तब तक हम इसको बेल लेते हैं। बहुत अच्छे से बिल रहा है पराठा थोड़ी देर रखने से, और आप देख सकते हैं चिली फ्लेक्स हैं, हरा धनिया है, प्याज है, सब कुछ इसमें दिख रहा है। तो अभी हम इसको बेल लेंगे। तो ये सिकने के लिए तैयार है दूसरा पराठा, पहला हम चेक कर लेते हैं। तो इधर से दूसरी तरफ से देखिए बहुत अच्छा ये सिक गया है। और अब हम इस पर इधर भी ऑयल लगाएंगे। और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि पराठा जो है चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाए। और आप देख सकते हैं कि पराठा जो है वो फूल रहा है, देख रहे हैं ना आप यहां से, तो पराठा ये फूल जाएगा। इधर से भी हम ऐसे इसको कर लेते हैं, सेक लेते हैं दोनों तरफ से, और बहुत यमी पराठे ये लगने वाले हैं। देखिए थोड़ा धीमी आंच पे सेकेंगे ना तो पराठा क्रिस्पी बनता है, अगर आप क्रिस्पी खाते हैं। अगर आपको सॉफ्ट खाना है तो आप थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर सकते हैं। तो देखिए चारों तरफ से पराठा जो है बहुत अच्छे से सिक गया है। अब इस पे आपको हल्का हल्का ऑयल दिख रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है कि पराठे पर ऑयल ना दिखे, तो उसके लिए यह है कि ये पराठा लेकर जाएंगे हम जहां हमने अपना पराठा बेला हुआ है, और इस पर हम इसको ऐसे दोनों तरफ से पलटकर रख देंगे, और जो एक्सेस ऑयल है वो दूसरे नीचे वाले पराठे पर लग जाएगा और ये ऑयल फ्री बन जाएगा। तो है ना यम्मी। ये दूसरा पराठा भी हमने डाल दिया है, और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो मैं आपको इसको सेक कर बताती हूँ। बनाना मैंने आपको चौकोर कैसे बनाना है वो बता दिया है। तो ये पराठा भी हमारा सिक गया है, देखिए बहुत अच्छे से दोनों तरफ से सिक गया है। और मैं यहाँ आपको दिखाऊं इसमें क्रिस्पी होने की आवाज इसकी, ये देखिए। और ये देखिए इधर से ये खिला खिला खुला खुला बना है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए हमारे यमी से लगने वाले पराठे किस तरह से देखिए खुले हुए हैं, क्योंकि प्याज होता है, हरा धनिया होता है तो उतने फूलते नहीं है, बट क्योंकि हमने अच्छे से इसमें ऑयल लगाया है इसकी ये लेयर बन गई है। तो बहुत यमी पराठे हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।